अन अकेडमी। बस इतने ही हैं, बाकी कहाँ गए? फॉर्म ज्यादा भर गए, सच में फॉर्म ज्यादा भर गए। मैं तो क्लास नहीं ले रही, 12 बजे का क्लास तो यहाँ आ रहा है, पढ़ाना भी पड़ेगा। सो जान भी कौन है, मुझे लग ही रहा था तुम ही हो। ये थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज्यादा ही था। ओके, तो सब लोग यहीं से हैं, लखनऊ? सब लोग एसएससी एस्पिरेंट्स हैं? सब एसएससी वाले? बैंकिंग? ओके ओके। तो सबसे पहली चीज तो थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। हम बहुत 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 दूर से आए हैं कानपुर, यू नो, बहुत दूर। तो इतनी दूर से आने में और इतनी सड़ी हुई गर्मी में आने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। खैर कोई ना, तो इस वाले पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कोई बहुत ज्यादा जैसे पढ़ाई वाली बातें नहीं करने वाले, बट आप लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती सो उसके बारे में एक बार से डिस्कशन करेंगे। एसएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो आपके मेंस के अंदर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में जो आपके मेंस में करंट अफेयर्स का जो लेवल आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इन सब चीजों के साथ में आपका एक छोटा सा लाइव टेस्ट भी होगा, जिसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको अनअकैडमी की बुक्स का कलेक्शन मिलने वाला है। पहले बता दिया है, तो अपने दिमाग में जितनी भी चीजें अब तक आपने पढ़ी हैं सब घुमा फिरा के ले आना, ठीक है? जो बाहर छोड़कर आए ना, हाँ मेरे को गलत आती नहीं मैथ्स, मुझे आती नहीं, मैं तो जीएसई पूछने वाली हूँ, ठीक है? आप इतना पीछे क्यों बैठो, आगे हो बिल्कुल अकेले पीछे, ठीक है? तो आप लोगों की क्या डाउट्स है पहले मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या सवाल है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप एक्चुअल में पूछना चाहते हैं। कितने बजे आ रहे हो? आ जाओ, हम 11:30 बजे आ गए। हाँ जी, तो आप में से कौन कौन है जिनके दिमाग में कुछ डाउट्स चलते रहते हैं? कोई है इधर वाली टीम में से कुछ डाउट पढ़ाई को लेके? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सही बात है, आप ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका यही कॉमन क्वेश्चन होगा, है ना? अच्छा, इस वाली रो में आपको मैंने कहीं देखा है? कहाँ? Exactly. मैं सोच रही थी मैंने कहीं तो देखा है। हाँ जी, इस टीम में किसी का कोई सवाल? देखा, इससे पता चला मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल इस वाली टीम में? 12 सेट हो गए हो तो बताओ। नहीं है इधर? नहीं, ओके, आराम से बैठो। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग पढ़ते बहुत है ना, किताबें खत्म ही नहीं होती, और किताबें खत्म हो जाती हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा स्टफ है कि वो खत्म नहीं होता, और अगर गलती से वो भी खत्म हो गया गलती से,
तो फिर तीसरी चीज होती है कि हम अलग अलग साइट्स पे जाके कंटेंट को सर्च करना शुरू करते हैं, फिर वहां पे भी बहुत सारा स्टफ होता है। तो पढ़ने के लिए जो कंटेंट है ना हमारे पास में बहुत ज्यादा है, और हमारी कोशिश होती है कि हर चीज हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो जाए जैसे ही वो क्वेश्चन हमारे सामने आए। लेकिन कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कल मूवी देख ली आधे कुछ, हो सकता है वापस आने के बाद आप आधी चीजें भूल जाओ कि उसमें दिखाया क्या गया था, है ना। तो हमारा जो दिमाग है ना उसे भी पता है कि हमारे दिमाग में कौन सी चीज को जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस पर एक कंडीशन है कि आप कितने स्मार्टली उस चीज को पढ़ रहे हो। वो स्मार्टनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने अगर आपको बोला कि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसका मतलब ये नहीं आप उसे गूगल करके बैठ जाओ। गूगल करोगे तो पूरी विकिपीडिया भर के आ जाएगी, बट वहां से क्वेश्चन बनेगा ना? बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो द थिंग इज कि वो जो स्मार्टनेस है ना, वो स्मार्टनेस आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये स्मार्टनेस स्मार्टनेस चिल्लाते तो सब है, बट ये आती कहां से? किसी दुकान पर मिलती है तो जब तक खरीद ली होती है ना। मम्मी पापा भी क्या कहते, ठीक है बच्चे का सिलेक्शन तो हो ही जाना है, अभी दे देते हैं पैसा। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, स्मार्टनेस खरीदी नहीं जाती, ये अपने अंदर डेवलप की जाती है। हैं, अभी डेवलप कैसे होती है? तो डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाना। आजकल आपने देखा होगा जो बच्चे मेंस का पेपर देने गए होंगे, आपने देखा होगा आधे से ज्यादा के क्वेश्चन छूट गए थे। क्यों छूट गए? उनकी रीडिंग स्किल बहुत वीक थी, बहुत वीक थी। वो क्वेश्चन ही पूरा रीड नहीं कर पाए, क्योंकि मेंस के सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट फॉर्म्स में आए थे, और स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो उसे रीड करने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कभी यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए? हाँ भाई, हाँ पेपर दिया था मैंने। अच्छा, पेपर जो मैंने दिया था वो आपने देखा था, बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों ने कभी कोशिश की है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? एक दो कुछ हुए थे, चार। अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है सुनना ध्यान से, अब ये नहीं कि हम टेस्ट ले रहे हैं, आई एम जस्ट नॉर्मली आस्किंग। अगर सपोज करो मैंने आपको बोला ओ भाई चलोगे आज? एक तो अलग अलग बोर्ड होने के यही नुकसान होते हैं। अगर सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहोगे? संविधान क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो संविधान कहलाता है ना, यही तो कहोगे? और कुछ कोई कहना चाहता है? कुछ कहना चाहेंगे? सेम 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 टू सेम, ये क्लास का रूल है, सेम। एक ने मिला वही सेम, गलती से पोल दे दिया, भले मैंने गलत पोल दिया हो वही आंसर करेंगे जो सब कर रहे हैं, सेम है। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक्चुअल में है क्या, उसमें मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। सपोज करो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया ये रूल्स होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया कि ये एक लॉ होता है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, तीसरा मैंने आपसे कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर कंट्री का एक रूल है जो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और आपका अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब वो लिखित भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रिटन हो, वो अनरिटन भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने चौथा ऑप्शन दिया, ऑल ऑफ दिया। तो आंसर क्या करोगे? ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली, आप आंसर क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ऑप्शन सी आपको शायद नजर नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी शायद आपको नहीं दिखा। बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना वो इसको ऐसे स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल लिखा हुआ है। एग्जामिनर हमेशा ऑल के ऊपर ही खेलता है, वो हमेशा यही बेवकूफ बनाएगा आपको। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करना। क्वेश्चन को जब आप पहली बार में पढ़ो तो आधे से ज्यादा सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे करोगे तो वैसे भी कुछ दिमाग तक जाने वाला है नहीं, है ना। तो पहली चीज ये है कि अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको अच्छे से डेवलप करिए। अब मैम इंग्लिश से ही तो डर लगता है, रीडिंग स्किल आती इंग्लिश से ही है, एक ये भी समस्या। इंग्लिश से कितने डरते हैं? एक दो तीन चार, और कोई? लड़कियों को डर नहीं लगता, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, उनको डर ही नहीं लगता क्योंकि वो क्या है, पापा की परियां हैं।
वो बाबा की तरह ही है। अभी ऐसे ही सुबह सुबह मैंने बोला, अपने भाई से बोला, मैंने कहा तुम जा रहे हो ऑफिस, जाओगे तो दिन मेरे को ड्रॉप कर देना, क्यों तुम तो पापा की परी हो, उड़ के चली जाओ। भाई ये कौन सा जवाब होता है। तो द थिंग इज कि आपको इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जिस चीज से भागोगे वो चीज तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम्हें रुला के छोड़ेगी। अगर आप डरे तो समझ लेना वो चीज आपको डराएगी। लड़कियों की बात कर लो, छिपकली। नहीं कॉकरोच, नहीं कॉकरोच तो बहुत कॉमन है, छिपकली है ना, मतलब कहीं पे भी इतनी छोटी सी भी दिख गई तो मतलब हाय छिपकली, ये होता है ना। लेकिन अगर आपके मन से वो चीज निकल जाए कि अच्छा छिपकली जैसा भी कुछ होता है, तो शायद आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप भूल जाओगे कि आपके पास कोई चीज है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को आप इतना अच्छा रखिए, इतना पॉजिटिव रखिए ना कि आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगता। और डर किस बात का है, रिजल्ट का भी बच्चों में डर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अच्छे से मॉक सॉल्व किए, आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से याद करके पेपर में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हो, तो किस बात का डर है? डर होगा? नहीं होगा। आप पता है ये पढ़ाई से दिल चुराया है, जब पढ़ने का टाइम था तो व्हाट्सएप चल रहा था और आधोगा तो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स, हाथ तो नहीं रुकता, समझ नहीं आता हाथ में दर्द ही क्यों नहीं होता, है ना, है? हाँ, तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी मैटर्स। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी समझ ली तो बस आप समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि रीडिंग स्किल, और आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज, बदलता हुआ सिलेबस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र और एमबीपीएससी का पेपर लिखा होगा, मैंने ग्रुप पे टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, देखा है किसी ने? देखा है। बाकी लोग अगली बार से कोरियर करा देंगे तुम लोग के घर। बाकी नहीं देखा, समय निकाल के पेपर जरूर देखा करिए। जो पेपर आपको शेयर किया जाता है वो आपके लेवल का पेपर होता है, कोई भी फालतू पेपर आपको कभी हम शेयर नहीं करते। बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग स्ट्रीम के पेपर भेजते हैं, है ना। ये देखो, आई आई आई, आपने क्यों भैया, कितना टाइम हो गया, ट्रैफिक था है? मैं सारे जा रहे थे, पहुंच गई थी, मुझे पता था ट्रैफिक होगा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। तो हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया वो पहले ही सवाल था कि चीजें याद होती हैं बट हम भूल जाते हैं। ओके, दूसरी चीज जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है मॉक टेस्ट। मैं आपको बहुत सारे पेपर शेयर करती हूँ, उन पेपर को शेयर करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना वो सिर्फ यही है कि आप उसे सॉल्व करो। वो आपको पेपर एज अ मॉक लेना चाहिए। अभी बीएड का पेपर था, अभी बीएड का पेपर हुआ है, उससे पहले ओडिशा में भी एक क्लेरिकल का कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो ये जो पेपर होते हैं ना, इन पेपर का अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बैठे बैठे। तो ये जो और है कोई भैया बात, अब कोई नहीं है, चले ठीक है। तो ये जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, आप अगर अपने मेंस के पेपर आपने देखे होंगे या अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जिसने मेंस का पेपर दिया होगा तो उसने आपको बताई होगी एक चीज कि आजकल का जो मेंस का पेपर है उसका स्टैंडर्ड यूपीएससी को टच करता है। सुना आपने ये बात? सुनी बहुत सारों ने सुनी होगी, बहुत सुनने भी सुनी होगी। आप सुनी भी है तो क्या करें, कर रहा है तो कर रहे हैं, क्या करें। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तो आपको मेंस तो देना ही पड़ेगा, बिना उसके सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। तो दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि आपके लिए हर एक पेपर इंपॉर्टेंट होता है। हर पेपर को सॉल्व करने से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाते हो। अगर आप उसने उस पेपर को छोड़ दिया कि हाँ चलो ठीक है फालतू, तो आप सोच लेना कि कहीं ना कहीं उस पेपर से कुछ ना कुछ आपके पेपर में आएगा ही आएगा।
गारंटेड। क्यों हम गारंटी कैसे है? कहा जाता है ना कि अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तो वही गलतियां जो आपने पेपर को स्किप करके किया वो आपको कहां मिलेगा? एग्जामिनेशन सेंटर पर देखने को जरूर मिलेगा। तो पेपर आपको स्किप नहीं करना है, संडे को ही पेपर होता है, संडे को थोड़ा टाइम निकालिए, पेपर को सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे मार्क आउट करिए, उसे सर्च करिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। हर टाइम पे मैं खड़ी नहीं हूं आपको आंसर करने के लिए, हर टाइम कुछ बच्चे अरे भैया एक तो ही मैसेज लिख के कम से कम 100 बार फॉरवर्ड करेंगे, मतलब फिर मुझे अपने फोन का नेट ऑफ करना पड़ता है कि भाई तुम कर लो आंसर, उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें क्या बोलना है। लिटरली मतलब ये सच्चाई है, 100 बार मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। और एक आती तो मुझे नाम याद है, एक है अंकित एक है अंकुर, ये ए नाम वाले बड़े परेशान करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज है ना कि कभी खुद से भी कुछ काम करने की कोशिश करो ना, सब कुछ पका पकाया चाहिए, है ना। स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है, हो गई है ना, स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, है? अगर ये आदत पड़ गई ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी पंख उन्हीं को देता है जिनमें क्या उड़ान की क्या होती है, एक इच्छा होती है, चाह होती है, पैशन होता है ना। हाँ, वो लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पंख है, नीट पंख, उन्हें पंख की जरूरत ही नहीं है। बट बाकियों के लिए पंख की बहुत ज्यादा जरूरत है और पढ़ना पड़ेगा ही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक है नहीं कि आप सोचो कि हाँ चलो ठीक है आज नहीं पढ़ रहे हैं कल पढ़ेंगे। ये भी बड़ी होती है टेंडेंसी बच्चों में, 1 घंटा पढ़ लिया फिर भूल गए, है ना। आप में से कितने जिनके दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि 1 घंटा पढ़ लिया 1.5 घंटा पढ़ लिया फिर कॉपी किताबें बंद? होंगे, जरूर होंगे, हम मान नहीं सकते ना। हाँ कौन है ऐसा नहीं है? कितने घंटे पढ़ते हो आप? 5 घंटे? अरे भगवान, सच में 5 घंटे? अच्छा तभी बैठ जाओ। अच्छा, इन्होंने 5 घंटे इसलिए अपनी पढ़ाई शुरू की क्योंकि ये अभी नए नए पढ़ना शुरू किया है। और जब आप नई नई पढ़ाई शुरू करते हैं मन करता है एक दिन में पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत हम घोल के पी लें, लेकिन दूसरे दिन से तो फिर वही पुराना रूटीन। हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो आप? येलो शर्ट पीछे, हाँ, क्या नाम है आपका? नाम? अच्छा, 6 घंटे पढ़ते हो। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? वही वाली बात होगी, सामने मैम खड़ी है, मुझे लगता है मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट हो, उसके लिए कोई कुछ पढ़ता ही नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बेटे जूसी का है, है ना। अच्छा, 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। तो अच्छा, ब्रेक क्यों चाहिए बताओ? क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगने लगता है कि हाँ 1 घंटे पढ़ लिया ब्रेक चाहिए, ऐसा क्यों? माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा अच्छा, क्यों भाई ऐसा क्यों चाहिए होता है, ब्रेक क्यों चाहिए? अच्छा, इसलिए ब्रेक चाहिए। अच्छा चलो बेटो, और भाई इधर वाली रो में कौन बताया क्यों ब्रेक चाहिए बताओ? अच्छा ओके, ठीक है। देखो हमारा जो दिमाग है ना, कोई मशीन तो है नहीं, है ना, और ना ही आप सब आमिर खान है, ऐसा भी नहीं है। तो लाइफ में ब्रेक सबको चाहिए होता है। 2019 से 2022 तक कंटिन्यूसली मैंने काम किया, फिर शादी के लिए 10 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, 2023 में आ चुके हैं और हम लोग जून में पहुंच गए हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, मैंने बीच में एक भी छुट्टी नहीं ली। तो फ्रस्ट्रेशन सबके पास में होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन सबका निकल के आता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दिमाग में भरे हुए हैं उसको वो कहीं ना कहीं निकलेगा,
बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़ाने लगते हैं, कुछ नहीं तो घर वाले के ऊपर ही चिल्ला रहे हैं, भाई बहनों के बाल नोच लिए, कुछ नहीं तो थिंक इज है उनकी तो बात ही मत करो, उनके यहां तो मुझे लगता है हर दिन ही लड़ाई होती है। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है 50 से 55 मिनट के बाद में वो ऑलरेडी काम करना बंद कर देता है, उसे ब्रेक चाहिए ही चाहिए, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। तो जो ब्रेक नहीं लेते हैं मैं रिकमेंड करूंगी 5 मिनट का ब्रेक ले। जो अभी तक हाथ नहीं उठा रहे थे ना वो गलती कर रहे हैं अपने जीवन में। आप सोच रहे होंगे बताओ हाथ नहीं उठाया है ना। तो अगर आपके साथ में कुछ ऐसा है, अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें, आप समझें कि आपने पढ़ा क्या है ना। सपोज करो आपने न्यूज़पेपर का या मान लो कोई भी कंटेंट है, कोई भी एक पेज है आपने पढ़ डाला राइट। उस पेज को जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपने हाईलाइट किए या आपने पेंसिल से मार्कआउट किए, जो भी कुछ ऐसे भी आप हाईलाइट करते हो ठीक। अब जो 5 से 10 मिनट की ब्रेक की मैंने बात की उसमें ये नहीं कि आप इंस्टा चले जाओ, व्हाट्सएप चले जाओ, फेसबुक चले जाओ, वहां पर रील चल रही है, फिर तो टाइम कहाँ गया पता नहीं, फिर नहीं पता चलता टाइम, ये रियलिटी है। फिर बोलिए अच्छा 5 मिनट, अरे 2 मिनट और सही है ना, और भी पता चले तब तक किसी का फोन वोन आ गया, अरे बस अब तो दिन बन गया। तो वो 10 मिनट जो है वो आपको वेस्ट नहीं करने हैं, बल्कि उन 10 मिनट में आपको क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स को रिवाइज करना। टी ले लो, कॉफी ले लो, कुछ खाते रहो आराम से, वो 10 मिनट का टाइम आपको यूटिलाइज करना है फॉर योर रिविजन, फॉर योर रिविजन, नॉट फॉर चिट चैट। ये नहीं कि चलो ठीक है 1 घंटे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था, फोन उठा के अब हम रिवर्ट कर दें, आप अपना समय बर्बाद करने जा रहे हैं। इन सब कामों को करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और एक बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, सच बता रहे हैं, हस्बैंड हो या भाई हो कोई ड्रॉप करने नहीं आया, देख रहे हो कोई ड्रॉप करने नहीं आया, और दूसरों की तो बात ही ना करो, यहां तक लेकर भी नहीं है। तो बेटा कोई साथ नहीं देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना सीखो, किसे हमें प्रायोरिटी देनी है, किसे हमें ऊपर रखना है और किसे हमें सबसे आखिरी में रखना है ना। और मूवी तो सबने देखी होगी, शादी में जरूर आना, रोज देखते हैं, दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स नहीं, दिन की शुरुआत उस मूवी के साथ, क्यों? क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लगता है कि सत्तू भैया हमारे लिए पढ़ रहे हैं है ना, सत्तू भैया ने हमारे लिए तो जो कुछ करना ना किया, अरे सत्तू भैया भाई। चलो कोई बात नहीं, वो तो बात होगी प्रायोरिटी की, प्रायोरिटी देना सीखिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बच्चे नहीं है आप लोग, सबके सब ग्रो अप हो, सबका दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है, मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है, है ना, सबके सब स्मार्ट हो, बाद में जाके ही बोलेगा आई थी इतना समझा के गई है, ये तो मैं खुद ही पता था, है ना, ये सब में होता है, ये सबकी टेंडेंसी होती है। जब हम लोग के भी क्लासेस होते थे तो जो भी आता था वहां पे बड़ी कथाएं सुना के जाता था, बाद में यही कहते थे ये तो हमें पता था नया क्या बताया। मैं तो यहाँ वैसे भी आप लोगों से मिलने ही आई थी, मैं सोचा एक मौका लगा है तो मिल लेते, है ना, फिर वो मौका कहाँ पे लगे कहाँ हो, क्योंकि अगला शायद मीटअप जो है वो कानपुर में ही होगा, अभी वहां सेंटर पे होता है, स्पेस था नहीं जिसकी वजह से अभी यहाँ पे शेड्यूल किया गया, तो मे बी नेक्स्ट वाला वहां पर होगा ठीक है। आप कानपुर से आए हैं, क्यों वहां नहीं होता, क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है आपका, अभिषेक नाम है आपका, अच्छा तो किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस एग्जामिनेशन, तो डिफेंस में एनडी वगैरह का पेपर दिया, अच्छा सीरियस अरफ कैट, अच्छा तो देखो भाई ये जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें और एसएससी में बहुत डिफरेंस है, बट सिलेबस सेम है ठीक है, सिलेबस सेम है। आप लोग जहां पे लूसेंट से शुरुआत करते हो चाहे पॉलिटी हो ज्योग्राफी हो, ये लोग लक्ष्मीकांत से शुरुआत करते हैं, फर्क इतना ही है, पढ़ना उतना ही है ठीक। अच्छा अब आप खड़े हुए हो तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जब आप एसएससी के क्वेश्चन देखते हो और जब आप अपने वाले एग्जाम के क्वेश्चन देखते हो एफ कैट एंड सीरियस, दोनों में आपको किसका लेवल हाई लगता है, राइट क्यों, डिफरेंस है क्या, सिलेबस अलग है क्या, हाँ
क्या डिफरेंस होता है, बस मुझे वो जानना है डिफरेंस। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डेप्थ जो है, अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि जो मेंस का पेपर अब आता है उसको देखने के बाद में और एफकैट के पेपर को देखने के बाद में आपको लगा कि दोनों का लेवल सेम है? अभी भी नहीं लगा, अगली बार वाले टर्न में लगेगा, कोई बात नहीं। अरे किसी फ्रेंड ने दिया होगा, किसी फ्रेंड ने क्वेश्चन बताए होंगे। हाँ चलो अब एक बात करते हैं, अब एक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप पेपर देने जाते हो तो आप लोगों को पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस आते हैं, जब आप एसएससी के लेवल की बात करोगे तो उसमें पैराग्राफ आता है और उसमें से ही शब्दों को निकाल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक। इनके लेवल पे क्या होता है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। इनके में पैसेज वो नहीं आएगा जो आप प्रेसी राइटिंग और बचपन में ग्रामर की किताब में पढ़ते हो, नहीं। इनके में क्या आएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू दिस, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था, उसके बारे में पूरी कहानी लिख के पेपर में छाप के दे देते हैं। ये होता है, राइट? तो अलग कुछ नहीं है, सिर्फ बदला कहां पे, उसका कोर चेंज हो गया। आपने ऊपर ऊपर पढ़ा, उनको क्या करना है, उनको उसके डेप्थ में जाके पढ़ना है। और यही सेम चीज आने वाले टाइम में जब आपका मेंस होगा आपको यही मिलेगा, डेफिनेटली यही मिलेगा। तो आप अब इस चीज को बहुत हल्के में ना लें कि अभी तक आप जैसे पढ़ रहे थे आप वैसे ही पढ़ते रहेंगे, लेवल आपका अप होता जा रहा है और वो और भी ज्यादा अप होता जाएगा। 1600 वैकेंसी, 32 लाख फॉर्म, उसका क्या होगा, अभी उसने पढ़ना शुरू किया, सोचो है? बताओ अच्छा बताओ, उसको अभी कहा तो अच्छा जॉब से याद आया, बैठो जॉब से याद आया कि अगर मान लो कि प्रिपरेशन करनी है जॉब के साथ में, किसी स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी, तो वो पॉसिबल है क्या? हाँ बताओ। हाँ बस यही जीवन है, देख रहे तब से बजे पड़ा, पता है क्लास नहीं है लेकिन फिर भी ये टेलीग्राम है। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? हाँ आप कुछ बताए, बैठो। यूपी पुलिस की बात तो आप करें ही ना। हाँ बताए। अच्छा I think 2019 बैच में थे ना, 18 में थे। हाँ मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑफलाइन तब आई थिंक आप थे। हाँ राइट राइट राइट। देखो भाई, नहीं आई एग्री, हमारे घर का भी कुछ ऐसे ही माहौल रहता है, अगर हम साथ बैठ के खाना खा लें वही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, ठीक है। हम तो भूल ही गए हैं कि बाहर की भी एक दुनिया है और बाहर भी जाया जाता है, हम तो भूल चुके हैं। तो जॉब के साथ में पढ़ाई करना बहुत टफ होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो ठीक है जॉब के साथ में, बट थोड़ा बहुत तो मतलब पढ़ा होगा उस टाइम पे भी, तो मैनेज हो पाता था?
नहीं, जैसे कि आपने अपनी जो भी ड्यूटी है आपने उस ड्यूटी को परफॉर्म किया, उसके बाद में वापस आने के बाद में एनर्जी बचती पढ़ने के लिए? नहीं बचती, बिल्कुल नहीं बचती है। तो यही चीज है, अगर आप अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हो ना, तो फिर उसे फोकस बना लो। और अगर उन्होंने ट्रांसफर लेके अपने पढ़ाई के बारे में सोचा है, तो कहीं ना कहीं ही इज श्योर कि वो एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि पेपर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है। पड़ोसी ने पूछा कौन सा अटेम्प्ट, तीसरा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, कौन सा अटेम्प्ट, चौथा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। पहला अटेम्प्ट दो, एग्जाम को क्रैक करो। दूसरा दो, चलो ठीक है पहले बार में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड। चौथे के बाद में तैयारी करना छोड़ देना, ये रियालिटी है। अगर सिलेक्शन होना होगा तभी हो जाएगा, अदरवाइज उसके बाद में नहीं। चार अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले वाले में हो सकता है कहीं कुछ रह गया, ठीक है। दूसरे वाले में भी होता है कि हाँ ठीक है, मे भी एक नंबर से दो नंबर से कहीं से आप रह गए होंगे। तीसरे में होता है कि हाँ कुछ दिक्कतें थी, फाइनेंशियल, आसपास का एनवायरमेंट, कहीं आना जाना, शादी बारात, जो कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है ना। बट चौथी बार में भी अगर आपने एक्सक्यूज दिया ना, आपने बहुत कुछ खो दिया, फिर एक्सक्यूज नहीं चलते। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ में चीजों को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आई एग्री। बट हाँ, तो दिस इज अ थिंग कि कोलकाता की, मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था। हाँ, मैंने उसका शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था। आई थिंक उसके 5 या 6 एग्जाम क्रैक हुए, इंक्लूडिंग एनडी एग्जामिनेशन, एफटेट भी हुआ था उसका। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ा उसने भी वही है जो आपने पढ़ा है, फर्क कहाँ है। हाँ, पैशन, सेटिस्फैक्शन। जब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आता काम में। कभी कभी मुझे भी बोरियत होने लगती, मेरा भी मन नहीं करता, हाँ यार छोड़ ठीक है। बताइए, 21 इयर्स, 6-6 जॉब, 4-4 जॉब, एनडीए छोड़ा तो मतलब एनडीए छोड़ा, चलो खैर, जिसका जो पैशन होता है उसी के पीछे पागल होता है, नो डाउट। तो ये एग्जाम क्रैक हो कैसे जाते हैं, 6-6 पेपर निकालना, 5-5 पेपर निकालना और लिस्ट में नाम आना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है। कैसे हो जाता है ये, कैसे होता है ये, तो रॉकेट साइंस है। शाकर का बुम बुम की पेंसिल तो है नहीं, हाँ सर्कल लगाते गए, आंसर मार्क होते चले गए। तो कैसे हो जाता है ये चीज, अच्छा जो पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अच्छा और बताओ, अच्छा और भाई इधर वाली रूम, ऐसा लगता है पता है, आज के टाइम की रियलिटी ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना वही ऊपर है, ये रियलिटी है। इधर वाली रूम में भाई कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में, किसी को चर्चा नहीं करनी इस बारे में, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, हमारी पहुंच से बिल्कुल ही बाहर बातें कर रही है मैम। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, पढ़ना तो वही है। जीएस में क्या पढ़ोगे, वही 4-5 सब्जेक्ट पढ़ोगे। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ोगे, वही सब्जेक्ट आएंगे। मैथ्स हो गया आपका, रीजनिंग हो गया आपका, इंग्लिश हो गया। कुछ बच्चों की जीएस अच्छी होती है, कुछ की मैथ्स, कुछ की रीजनिंग, कुछ की इंग्लिश, यही होता है, यही तो होता है ना, यही एक कॉम्बिनेशन है। और कुछ की मैसेजिंग स्पीड, वो एक्सट्रीम केस होता है, खैर उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। पढ़ना वही है, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, आप लोगों के मन में एक चीज चलती रहती है, जितनी जैसे ये इनके पास में नोट्स रखे हुए हैं, है ना। अभी इसका मन करेगा थोड़ी देर बाद जब ये सब सेशन खत्म हो जाएगा कि लाओ पूरे के पूरे नोट्स में एक बार रिवाइज कर लूं, और फिर ये कोशिश करेगा कि एक ही दिन में उसको पूरा का पूरा पढ़ के खत्म करेगा। ये होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ भी ये होता था। नोट्स बन के तैयार हो गए, कॉपी भर गई, तो बस मुझे क्या करना है, उसको उठा के एक बार पूरा रिविजन मारना है। यही हमसे गलती हो जाती है, जो हमारे दिमाग में ये होता है ना कि मुझे आज ये खत्म करना ही करना है। कुछ के अंदर तो ये होता है कि नई नई किताब आती है, जब
वो नई वाली बुक का पहला पन्ना खोलने के बाद में लगता है कि आज की आज ये किताब खत्म होनी है, भले ही हमारे दिमाग तक कुछ जाए चाहे ना जाए। तो जरूरी है आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आप बुक के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ रहे हो, उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी, व्हाटएवर, सब में कोर स्टडी करनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ चैप्टर को पढ़ के छोड़ नहीं सकते। अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप 3-4 चैप्टर पढ़ के नहीं छोड़ दोगे, आपको एटलीस्ट खोलनी खोलनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए मोदी जी कहाँ गए थे अभी, और अगर गए थे तो वहां पे उनको कौन सा अवार्ड मिला, वो पर्टिकुलर जगह जो है वो कहाँ पर है, कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, कोई पर्टिकुलर जगह है। अगर वेनिस चले गए तब तो भाई साहब बारे ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो थिंक इज कि आपको उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। अगर मैंने आपको बोला पापुआ न्यू गिनी, सबको पता है, सबको मालूम है, राइट। अब अगर मैंने आपसे पापुआ न्यू गिनी बोला तो मैं आपको क्या क्या फैक्ट बताऊंगी, सिंपल बोलूंगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, बोलूंगी पैसिफिक ओशन में, तीसरा बोलेंगे कि यहाँ पे अभी हाल ही में मोदी जी गए थे, फिपेक की कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहाँ पे इनको अवार्ड मिला था, यही 5 बातें तो बताएंगे। अब यहाँ कोई नदी पहाड़ ऐसा तो कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर में उसको कवर ही नहीं किया गया, और जब वो चीज कवर नहीं हुई तो हमारे मतलब की नहीं। एग्जामिनर अपने घर से सवाल थोड़ी ना बनाता है, क्वेश्चन तो वहीं से उठाएगा ना जो चल रहा है सुर्खियों में। तो थिंक इज कि आप पढ़िए, उसके कोर तक जाइए और उस कोर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपके पास में कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला है मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, तो आप सिर्फ उसकी टाइमलाइन पढ़ के आप उसे छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, एक एक के बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए, समझ रहे हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछो, वरना फिर हम पूछेंगे। अच्छा, एक एसएससी का अगर स्टूडेंट है जो नई नई तैयारी शुरू कर रहा है तो उसे क्या गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। आप बैठो, अब आप खड़े हो, नहीं नहीं अरे मेरा सवाल तो आने दो, बेचारा पहले घबरा गया, पहले बताने लगा। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने अपनी स्टडीज की शुरुआत की तो आपने क्या चीज सोची थी, मतलब आपने क्या सोचा कि कितने टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, कितने आप मॉक टेस्ट दोगे, किस तरीके से अपने प्लानर को सेट करोगे, बस ये बताओ। अच्छा, पहले सिलेबस ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में टेस्ट। जीएसी कमजोर है इनका, बाकी सब कुछ ठीक है। आई नो ये जीएस का दर्द बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, है ना। हाँ, 25 में 22 आ जाते हैं। अच्छा, आपके कितने आते हैं 25 में? हाँ, 17-18 10 से 12 वे टी शर्ट भैया 17-18 सर 19-20 अच्छा भाई मैं सोचू यार कहाँ चले गए तुम 15-16 मैक्स 20 ओके ओके मुझे लगा कि शायद आप भी प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, 15-16 ज्यादा कम नहीं होगा, 9-10 हाँ। बैंड को भी ले आई थी यार, अपने कॉम्पिटिशन अपने घर में बना रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें है? ओके, 18 तेरा ओके अच्छा, तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि अगर हम नया नया पढ़ना शुरू करते हैं तो कहाँ पे हमें गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपको
अपना आपको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हम कर जाते हैं, मेरे दोस्त ने ये वाला कंप्लीट कर लिया है सेक्शन, मेरा अभी तक सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आज रात भर बैठ के मैं इसको पूरा करूंगा, बस हम वहीं पे जीरो हो जाते हैं। हमें किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है खुद को। आपको पता होना चाहिए ना आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपका दिमाग कितना काम कर सकता है, फिर दूसरा आपको बताने नहीं आएगा। मम्मी पापा तो आते हैं, रूम में एंट्री लेते हैं, हाय मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो चले जाते हैं, है ना। अब कुछ मम्मी पापा तो इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें टी कॉफी भी आपकी टेबल तक आ जाती है ना। हमारे केस में ऐसा नहीं होता था, वो बात अलग है ना। उन लोगों के केस में इतने अच्छे से होता है कि जैसे सबकी मुंडियां ही है, सबने बोला यस मैम है। अपने आप से करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपको अपना किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है, भूल जाओ इस चीज को। सेकेंडली आपको अपनी एबिलिटीज को समझना है कि आपकी मतलब एक क्षमता क्या है, आप कितना पढ़ सकते हो, आप कहाँ पर अपने आप को देखते हो, पहले आपको ये समझना जरूरी है। तीसरी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है मॉक। लेकिन मॉक को देने का सही समय क्या होता है? मॉक को देने का सही समय है जब आप अपना चैप्टर पूरा कर चुके हो। आपने चैप्टर को रीड किया लिखा है, याद नहीं लिखा है। रीड करने के टाइम पे याद कुछ नहीं होता है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जब आपने सारे के सारे की पॉइंट्स को याद कर लिया, याद करने के बाद में जब आपने इसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद में मॉक देना होता है। मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि शाम को 4 बजे पढ़ के आना, बिना पढ़े क्लास में आओगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी के 25 सवाल गलत करोगे और एक छूट गया होगा, कॉल नहीं आया होगा या कुछ ऐसा हो जाता होगा, है ना, ऐसा हो जाता है। तो थिंक इज कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद में आपको मॉक देना है। नेक्स्ट पॉइंट, जो चैप्टर आपको जब से ज्यादा टफ लगता है, सबसे ज्यादा टफ लगता है जो चैप्टर, उसी से ही शुरुआत करनी है। अभी मत बोलना डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू है ना, यहाँ माउंटेन ड्यू की बात नहीं हो रही है। ये इसलिए मैंने बोला है कि अगर आपने उस चैप्टर को समझ लिया, उस चैप्टर के ऊपर अगर आपने जीत ले ली, तो बाकी तो आपको आते ही है यार। जहां प्रॉब्लम थी वही तो आप शुरू कर रहे हो, तो बाकी तो आपको आते ही है, क्या प्रॉब्लम है फिर? तो आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है, भूल जाना है कि अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपको क्या करना है, बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। इनका कंपैरिजन हम उनसे नहीं कर सकते, ना इनका कंपैरिजन हम उनसे कर सकते हैं। वो हो सकता है रात में पढ़ते हो, वो हो सकता है दिन में पढ़ते हो, सबकी अपनी अलग टेंडेंसी है पढ़ने की। बहुत सारे ऐसे होते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, बट पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने। और जब एग्जामिनेशन टाइम आता है, रिजल्ट में सब नजर आ जाता है, है ना? आता है कि नहीं आता नजर? क्यों, रिजल्ट के नाम पर देखो किसी की आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, चीजें जो है वो होती रहती हैं। इन सब चीजों को हमें और बेहतर बनाना है। और ये सेशन भी मैंने इसीलिए रखा था कि हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। कई बार ये होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके बातें नहीं हो पाती है, जो आप पूछना चाहते हैं कई बार वो रह जाता है, कई बार मैं जवाब नहीं दे पाती, और कई बार जब अपने क्लास में कुछ यूनिक टाइप के बच्चे आ जाते हैं, हाँ कुछ यूनिक टाइप के भी बच्चे आ जाते हैं, तो इनका भी आंसर देना जरूरी होता है कई बार। तो जवाब सबको दिया जाता है, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो चीजें रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार मीटअप करके देखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव वाइब्स हो सकता है आप लोगों में आए मिलने के बाद में। तो शायद आज मन करे आज तो मैं सारी किताबें खत्म, कल तक वो खत्म हो जाएगा मुझे पता है, बट आज कम से कम ये होगा। होगा कि नहीं होगा, सबके साथ होगा? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी भी आवाज कम है, थोड़ा ज्यादा हो गया आपको, बता कि क्लास वाले निकल के पूछेंगे वो क्या रहा है। चलिए, तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सिलेक्शन सबका होना है, किसी का कल है, किसी का 1 महीने बाद है, बट सिलेक्शन सबका होना है, सबको ये बात पता है, राइट? ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है सिलेक्शन होना कब है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई आप कर रहे हो, आपको मालूम होगा ना कि आपका सिलेक्शन कब होगा। मैं कह दूं आपका जो पेपर है जुलाई में आप क्रैक कर लोगे, अरे मुझे क्या पता तुमने क्या पढ़ा है। द पॉइंट इज कि आपका लेवल क्या है वो आप बेहतर जानते हो,
आपको मालूम है आपने कितना पढ़ा है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको कंटेंट दूंगी। आपकी प्रिपरेशन के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है, बाकी 80% आपका है और बाकी रहा कुछ है 10% जो होता है ना वो आपके आसपास के लोगों का होता है। आगे सोचेंगे है आसपास के लोगों का, समझ गए ना आसपास के लोग कौन होते हैं, वो प्यारे प्यारे दोस्त हमारे है ना जो बस हमें इसी बात पे बहकाते हैं कि आओ चलो घूम के आते हैं, अपना तो पढ़ लिया और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शो ऑफ में, अरे मैं तो ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, पर पढ़ा उन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा स्टडी करिए, हर एक पॉइंट को डेप्थ में पढ़िए। प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आप पूछिए, लेकिन मैसेज एक ही बार करना, 100 बार मत करना, ठीक है? हाँ? टेलीग्राम पे नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, शाम को 4 बजे जब आपका क्लास होता है डाउट वाले डब्बे में लिख दिया करो। एक तो डाउट वाला डब्बा कभी खाने को आ रहा है, कभी किसी चीज के लिए आ रहा है, कभी कोई कहीं घूमने गया है, तो ये सब चल रहा है। भाई वो डब्बा इसलिए बनाया गया कि अगर आपके सच में कोई डाउट्स हैं तो आप उनको पूछिए, ठीक है? तो उस डब्बे का इस्तेमाल कब करना होता है, डाउट बॉक्स का इस्तेमाल कब है, जब आपको एक्चुअल में कोई सवाल है तब आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं पूछना शुरू करूं, समय कितना? हाँ अभी है, रुको रुको, हाँ बताओ। अच्छा एक सवाल है कि अगर सपोज करिए कि किसी का बैठ जाओ, किसी का कोई टॉपिक है जिसे पढ़ना है, उसने अपना उसके लिए टाइम भी रखा हुआ है, अगर वो उस टाइम में नहीं पूरा हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? हाँ नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर देना चाहिए, आराम से खड़े होकर पूरा बताओ, सबको सुनाई दे। लेकिन अगर टॉपिक छूट जाता है ना तो दिमाग में रहता है यार वो बाकी रह गया है, वो पढ़ने का मन होता है, आप क्या करें? अच्छा और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में, और किसी को नहीं कुछ कहना, सब हम ही बोले, हाँ बताओ। अच्छा अच्छा देखो होता क्या है ना कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आज हम इसके बारे में जानेंगे, है ना? स्पेशली जैसे मान लो क्वालिटी, बड़ा रोता हुआ सब्जेक्ट लगता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं किसने बना दिया है। और जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं टॉपिक तो ऐसा लगता है कि हाय कैसे आएंगे 33 नंबर कैसे आएंगे, है ना? CBSE और IAS बोर्ड में 33 नंबर इज द पासिंग मार्क्स, ठीक है? वो 33 नंबर कैसे आएंगे, सबसे बड़ा सरदर्द ये होता था। अब क्या करें, अब क्वालिटी को पढ़नी है, दुख तो है, पढ़ना तो पड़ेगी। अब मान लो सबका फेवरेट एक ही टॉपिक है, क्या लेकर यार हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना? ये ऐसा घिसा पिटा टॉपिक है, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, हर पेपर में सवाल मिलेगा, एनी पेपर, आप रेलवे से लेके UPSC तक कोई भी पेपर उठा लो आपको क्वेश्चन मिलता है। क्यों? फेवरेट टॉपिक है, हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको ये चीज देखनी है कि वो टॉपिक से क्वेश्चन कितने आते हैं। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है तो आप उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करोगे? तो द फर्स्ट थिंग आपको समझना है कि वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। दूसरी बात, टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करो, टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप करो। जब क्लास 10th में सिविक्स पढ़ी थी तो ऐसा लगता था कि 33 मार्क्स आना भी बहुत, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और आज के टाइम पे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि कितनी भी किताबें दे दो, गवर्नेंस की दे दो, आप DD Basu दे दो, लक्ष्मीकांत दे दो, कोई भी किताब दे दो, बड़ी अच्छी लगती है।
क्यों? वो चीज डेवलप करनी होती है। इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अब 2 घंटा हमने रखा था इस चैप्टर के लिए, 2 घंटे में चैप्टर पूरा नहीं हुआ तो किस आपका छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को छोड़ दिया ना तो पहली चीज तो आपके दिमाग में वो चीज खटकती रहेगी कि मुझे वो चैप्टर पढ़ना है। तो आपका आगे का शेड्यूल भले उस दिन के लिए जा रहा हो, भले आपको उसके बाद में आपको मैथ्स पढ़नी है, बट ये तो छूट जाएगा ना। तो आप अपने टाइम को थोड़ा सा स्वैप कर लो, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लो, अपने आप वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। और एक बार अगर आपकी स्पीड बढ़ गई, रीडिंग स्किल अगर आपकी तेज हो गई, तो आपको चीजों को समझने में समय कम लगेगा। एक दो बार की बात होती है, उसके बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश किया करिए, अगर आपने किसी भी टॉपिक के लिए कोई टाइम डिसाइड किया है तो पहली चीज आप उस टाइम में उस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करिए, लेकिन उस टॉपिक को ऐसे पढ़िएगा कि आपके दिमाग तक जाए। ये नहीं कि बस 2 घंटे में पूरा करना था, पढ़ना ना दिमाग में कुछ गए नहीं, पढ़ना ऐसे कि वो चीज आपको समझ में आए। राइट, हाँ कुछ आपका सवाल था? हाँ बताओ। मॉक में नंबर नहीं आते हैं। हाँ मैथ के क्वेश्चन छूट जाते हैं भाई, कितने ऐसे जो मैथ में एक्सपर्ट हैं? ओके एवरेज है, अच्छा एवरेज है, ओके। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैथ्स के लिए आप कितना टाइम डिवोट करते हैं? नहीं, फिर भी अगर मान लो कि किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी एक एवरेज किसी भी स्टूडेंट को मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए? 2 घंटे। अच्छा नहीं, आपके तो स्ट्रॉन्ग है मैथ्स तो, इसलिए आपके लिए 1 घंटा बहुत है। 4 घंटे? अरे भगवान। अच्छा राइट, ये तो होता ही है। कितना टाइम देना चाहिए? आ रहे हैं सर, आपके पास भी आते हैं। हाँ अभी आपने नया नया पढ़ना शुरू किया। अच्छा एक मिनट अभी हाँ ये भी आप कर सकते बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये जो पॉइंट उन्होंने बोला ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड पॉइंट है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका रीजनिंग भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। नहीं अब हमें तो नहीं पता। ओके तो सबसे पहली चीज ये है कि फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक जगह पे एक ऐसा पेज आप रखो जहां पे आप अपने सारे के सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लिखो। जब भी आपको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, 5-10 मिनट जस्ट गो थ्रू इट, एक बार पढ़ो उसको। जब तक आप चीजों को 4 बार नहीं देखोगे ना, जब तक आप उनसे 4 बार मिलने नहीं जाओगे, मैं यहाँ मिलने क्यों आई हूँ, मुझे क्या शौक पड़ा था, मैं भी बैठी थी कानपुर की सड़ी हुई गर्मी में, लाइट भी नहीं आ रही थी, हाँ कम से कम यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है। तो इस मीटअप को रखने का मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एटलीस्ट फेस टू फेस एक बार मुलाकात हो।
तो जब तक आप उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने आप तब जाओगे जब आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपका जीएस कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी टाइप का आपका जीएस क्यों ना हो, कभी भी पेपर देने जाओ जीएस को ही सबसे पहले करो। आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ कर थोड़ी ना लोगे, सिंपल सी बात है। अपने हिसाब से आंसर तो मार्क कर नहीं दोगे, अगर आपको आंसर आता है तो आता है। मैंने आपसे बोला कि सपोज नाइल रिवर है, ठीक है, मैंने बोला कि दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान से, लार्जेस्ट रिवर। मैंने बोला कि दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने फिर तीसरा पॉइंट आपको दिया कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और मैंने आपको चौथा दिया बी प्लस सी। बी प्लस सी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिए हैं। क्या होगा, नाइल रिवर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, हो सकता है सबसे लंबी भी हो सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो, या फिर बी और डी, क्या होगा, बी प्लस सी। सब लोग, सब, आपका क्या आंसर होगा, बी प्लस सी। तो आपको ये बात कैसे पता है, क्योंकि आपको नाइल रिवर के बारे में मालूम है ना। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता तो आप इसको आंसर मार्क करते हुए छोड़ देते और वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अमेजोन तो नंबर वन पे आएगी आएगी, बट सेकंड कौन सी आएगी, तो सेकंड यही आएगी, तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट आल्सो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आता है तो आता है, नहीं आता तो कुछ नहीं। तो आप किसी भी पेपर को देने जाओ, कोई भी आप मॉक दो, जैसे कल 18 तारीख है, कल आपका मॉक है भी शायद, ऐप पे कल क्लास है, वो है ना, एक टेस्ट है ना ऐप पे, हाँ तो को नहीं पता है, हाँ है, कल है 11 बजे टेस्ट, कौन सा एग्जाम, अच्छा हाँ कल पेपर है, सही कहा था, ऑल द वेरी बेस्ट। देखो कहीं अगले बीएसएफ के हेड तुम ही ना बन जाओ, डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल को टाटा, फिर एक नया लाहौर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 26 तक वो है अभी, ओके। तो द थिंग इज कि पहले आपको जीएससी करना है, आपका चाहे मैथ्स स्ट्रांग हो, चाहे रीजनिंग स्ट्रांग हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको जीएससी सॉल्व करनी है, पहली प्रायोरिटी जीएस है। टाइम कम लगेगा, जो चीज नहीं आती जस्ट मार्क इट आउट, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं टेस्ट लू, अब देखो ये जो, हाँ एक सवाल और है, ओके ठीक है बैठो, हाँ भाई कौन बताएगा, बताओ अच्छा। और कुछ कोई बताना चाहेगा, हाँ ठीक है, आई एग्री, हाँ भाई कोई जवाब, पापा की परी हो, नहीं उधर किसी को कुछ कहना है, अच्छा देखो बैठे, सबको पता है कि जीएस इज अ वास्ट, मतलब एक समुद्र